अरे दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे दही कबाब कैसे बनते हैं। चलिए आज बताते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दही कबाब बनाने के लिए मैंगो चूंडा लेंगे। चूंडा को जो इसमें लिक्विड रहता है उसको निकलने के लिए थोड़ा देर छोड़ देंगे। इसके बाद छोड़ देने के बाद ये निकल जाएगा। इसके बाद हम देंगे, देखिए तक ये निकल रहा है उसका पानी, तब तक हम ये आपके इतने सारे मसाले हैं जैसे ये ग्रीन चिल्ली, पोटियम, कड़ी पत्ता, उसके बाद हम ये मेरा निचू, उसका जो निचूड़ गया मतलब बोले तो उसका पानी निकल गया, तो हम ऐसे कट करेंगे छोटे छोटे बारीक बारीक। फिर एक बॉल में अच्छे तरीके से रख लेंगे। फिर हम एक पैन लेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे, गरम करेंगे इसको ऑयल थोड़ा। उसके बाद हम ये कड़ी पत्ता पूरा बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता हम लेंगे। उसके बाद हरी मिर्च हम डालेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे, थोड़ा ब्राउनिंग करेंगे। ब्राउनिंग करने के बाद हम थोड़ा इसमें कम मिर्च लग रहा है तो थोड़ा और ऊपर से मिर्च डालेंगे। मिर्च अपने हिसाब से डालना है। उसके बाद हम इसको थोड़ा पकने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी। हल्दी लो फ्लेम पे इसको पकाना है, हल्दी को पकाना है इसका, तब हल्दी का जो कड़वापन होता है वो हट जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे ओटियम। ये ओटियम प्याज और टमाटर से बना होता है, ये हम बना के रखे थे, आप भी बनाए, नहीं तो आप चॉप प्याज और चॉप टमाटर लेके बना सकते हैं। इसके बाद हम पकने का इंतज़ार करेंगे। पकने के बाद इसको अच्छे तरीके से देखिए पक रहा है। इसके बाद हम डालेंगे मैंगो चूंडा, जो हमने इसका जो पहले एक छन्नी में डाला था वो मैंगो चूंडा डालेंगे। इसको हम पकाएंगे अच्छे तरीके से बिल्कुल, थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए कितना अच्छा खिला कलर आ रहा है। ये इसलिए कलर डालते हैं हल्दी डालते हैं ताकि जो दही कबाब का वो कलर अच्छा आए। इसके ये पक गया। अब पकने के बाद हम एक प्लेट में निकालेंगे। इसका जो प्लेट में निकालने का है रीजन कि ये ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद इसका जो ऑयल होगा वो सारा निकल जाएगा। हम ये दही टांगा हुआ था, ये टांगा हुआ दही लेना है। एक दो दिन पहले टांग से मतलब इससे पानी पूरा निकल जाए। देखें कितना अच्छा मतलब दही है। और इसमें चाहे तो थोड़ा सा पनीर भी आप मिला सकते हैं ताकि अच्छा ब्रांडिंग वर्डिंग के लिए अच्छा होता है। थोड़ा पनीर भी मतलब मिक्स कर सकते हैं पनीर के इसको। उसके बाद हम सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट, बस ओनली ब्लैक सॉल्ट डाल के थोड़ा मिक्स करेंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो पानी। हम ये ले के जो मैंगो चूंडा का जो बनाया था बेस दही कबाब का वो हम इसमें डालेंगे। देखिए खिला कलर आ रहा है। इसको थोड़ा ज़्यादा मेस नहीं करना है, इस तरह करें अपने अनुसार डालेंगे और फिर हम चेक करेंगे कैसा। क्योंकि मसाले तो हम सारे उसमें डाल दिए थे, मसाले क्या डालना होता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत तीखा करने के लिए मिर्च डाला था। आप चाहे तो कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसका टिक्की बनाएंगे, टिक्की आकार देंगे थोड़ा बड़ा ये ऐसा। कितना अच्छा खिला कलर आया हुआ है, आप भी बनाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए ऐसे हम ये कोटिंग के लिए हम राइस फ्लार और सूजी बोलते हैं, सूजी लेंगे, राइस फ्लार लेंगे, कॉर्न फ्लार लेंगे, इसको फिर उसमें कोट करेंगे। इससे ना जो दही कबाब होता है क्रंची बनता है, एकदम पूरा ऊपर से क्रंची रहेगा और अंदर से पूरा सॉफ्ट एकदम बनेगा। ये हम लेंगे। फिर एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल गरम, हम कढ़ाई लेके गरम तेल हो रहा है मेरा, गरम हो चुका है तेल, ये देखिए गरम। उसमें हम 2-3 मिनट रखेंगे, देखिए ऐसे देखते रहना है ऊपर करके ताकि ये ऊपर से कलर इसका चेंज ना हो जाए, मतलब जल ना जाए, हम खिला हुआ कलर आएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर देखिए ये मेरा ये दही